हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, या अभी गणपति फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है और हमारे घर पे गणपति में हम लोग ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाते हैं। ये बेसन के लड्डू है, बट ये बेसन को बिना भूने बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को इसके लिए चाहिए बेसन यानी कि चने का आटा, और इसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और सॉल्ट डाल के इसका एक हार्ड डो गूंद लेना है। आटा इसका जब आप गूंदेंगे तो जो हमारा नॉर्मल गेहूँ या मैदे का आटा होता है तो उस तरीके से ये इजीली नहीं बनता, बहुत ही स्टिकी होता है, तो हो सकता है आपके हाथ में चिपके या जो बर्तन में हम लोग बना रहे इसमें यह बेसन का आटा बहुत चिपक जाता है। तो इसके लिए इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको गूंदना है, और जब सारा आटा अच्छे तरीके से जम जाए तो इसमें हमको बहुत सारा तेल डाल के इसको गूंदना पड़ेगा, तब जाके ये सॉफ्ट डो बनेगा। अदरवाइज़ ये बहुत ही प्लेट में, जैसे कि मैंने बताया, चिपकता है, ये नॉर्मल आटे की तरह ईजीली नहीं बनेगा। बट हाँ, जैसे आप इसमें ऑयल डाल के गूंदोगे तो इसमें अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन जाएगा। अभी ये जो हमने डो बनाया है इसकी हमको पूरियाँ बना के उसको फ्राई करनी है। आप इसको तेल में भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हम लोग ये स्वीट डिश बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, तो बिना घी के तो इसमें टेस्ट ही नहीं आएगा। तो मैंने ये घी गरम करने के लिए रख दिया है और अब हम इसकी पूरियाँ बना के बेलेंगे। पूरी यहाँ पे मैं दो तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ी सी पूरी हम लोग बेलन से बेल लेंगे और उसके बाद हाथ पे इस तरीके से फैलाते हुए हम लोग पूरी को बड़ा कर देंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा बेलन है या फिर नीचे जिसके भी ऊपर आप बेल रहे हो, ये इसमें भी बहुत चिपक जाता है। इसकी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा बेल के फिर ऐसा हाथ में कर देती हूँ और फिर इसको फ्राई करती हूँ। इसका फ्राइंग भी एज़ कम्पेयर टू अदर पूरीज इतना स्मूद नहीं होता है, थोड़ी सी पूरी हार्ड बन जाएगी, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। अगर आपको हाथ पे करने के लिए आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जो मतलब जहाँ जिसमें भी इसको बेल रहे हो वहाँ पे ऑयल लगा के धीरे धीरे से मोटी मोटी पूरियाँ करके इसको बेल देना और फिर इसको फ्राई कर लेना। इस तरीके से मैं सारी पूरियाँ यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। मैं आपको एक पूरी बेल के भी दिखाऊंगी इस तरीके से। इसमें मैंने तेल लगाया है ऊपर और नीचे, और थोड़ी मोटी ही रखना क्योंकि ये ज़्यादा पतली नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया जैसे जैसे बेलोगी ये चिपकती जाएगी। जैसे ही सारी पूरियाँ बन जाएगी हमको ये पूरियों को क्रश कर लेना है, थोड़ा ठंडा कर लेना, उसके बाद हाथ से ऐसे मोटा मोटा इसको क्रश कर लेना, और क्रश करने के बाद में हमको इसको मिक्सी में डाल के पीस लेना है। आप ट्राई करना कि आप जितना इसको सॉफ्ट पीस सकते हो उतना सॉफ्ट पीस लेना। अगर आपको अपने लड्डू जो है वो थोड़े से दरदरे चाहिए तो आप उसके हिसाब से पीस सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि जितना उसमें ग्राइंड हो जाए ग्राइंडर में वो जितना पतला हो उतना ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके की रखी है इसकी कंसिस्टेंसी। तो इतना मोटा या फिर इतना मैंने फाइन इसका पाउडर टाइप कर लिया है। इस तरीके से मैंने जितनी भी पूरियाँ बनाई थी मैं ये सारी मैंने पीस ली है। अब हम लोग इसके लड्डू बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले तो हमको चाशनी बनानी है शुगर की। तो अभी अगर आप हाफ केजी यानी कि 500 ग्राम अगर आप बेसन की लड्डू बना रहे हो तो उसके लिए आपको 500 ग्राम चीनी लगेगी, और 500 ग्राम चीनी के अंदर बस थोड़ी सी चीनी घुल जाए और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पानी डाल के इसको अच्छे से मिलाना है और थोड़ा सा गाढ़ी चाशनी या फिर शुगर सिरप हम लोग बनाएंगे। अगर आपको इसमें कलर चाहिए, जैसे आपको रेड कलर के लड्डू बनाने हैं या फिर कोई अगर कलर चाहिए तो आप अभी इसमें डाल सकते हो। मैं यहाँ पे केसर डाल रही हूँ, इससे थोड़ा सा टेस्ट भी आएगा और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो मैंने इस तरीके से इसके अंदर केसर डाल दिया है। और अभी मेरी चाशनी रेडी है। हम लोग को ज़्यादा भी गाढ़ी नहीं बनानी है, हम लोग को नॉर्मल चाशनी बनानी है जो थोड़ी सी गाढ़ी मीडियम हो। उसके बाद में जो हमने ये पूरी को क्रश कर लिया था वो हम लोग इसमें मिक्स करेंगे, और 5 से 6 मिनट तक इसको हम लोग को मिक्स करना है, जब तक जो ये हमने पाउडर या फिर ये जो क्रश्ड पूरीज है ये सारा जो शुगर सिरप है वो सोक कर ले।
सोक करने के बाद भी मेक श्योर ये ज़्यादा गीला ना हो, इसलिए 5 से 6 मिनट उसको चलाना है। इसके बाद जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाले हैं काजू, बादाम और थोड़े से किशमिश डाल के मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब हम लोग इसके लड्डू बनाएंगे जो शेप के आपको चाहिए, छोटे बड़े। लड्डू बनाने के बाद ये है रेडी टू सर्व। आप चाहे तो ये जो मिश्रण है या फिर ये जो मिक्सर है इसको ऐसे भी भोग के लिए रख सकते हो। ये लड्डू बहुत ही अच्छे होते हैं, ज़्यादा स्वीट नहीं होते हैं, एकदम मीडियम स्वीट और बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। आप इसको डब्बे में बंद करके 3 से 4 दिन बाहर रख के खा सकते हो और फ्रिज में रख के 7 से 10 दिन या अच्छे से आराम से रह लेते हैं। बस फ्रिज में रखोगे तो खाने से थोड़ी देर पहले बाहर निकाल देना। That is it about this vlog guys। अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी रहेगी तो आप प्लीज़ ट्राई करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी यू ऑल।